हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक रुपया का सिक्का के बारे में बात करने वाले हो। दोस्तों मेरे पास और भी बहुत सारा टाइप का सिक्का है, आप लोग देख सकते हो, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 1 रुपीज, बहुत सारा सिक्का है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों एक रुपया का सिक्का के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये सिक्का है मेरे हाथ में जो है 1965 का है, 1985 का है, ठीक है। दोस्तों इसका खासियत क्या है, ये जो सिक्का है 1 रुपीज का सिक्का है, ये बनाया गया था कॉपर निकल से। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये जो सिक्का है कॉपर निकल से बनाया गया था। दोस्तों इसका जो वेट है वो है 6 ग्राम, इसका जो डायमीटर है वो है 26 mm, इसका जो थिकनेस है आप लोग देख सकते हो, सिक्का का जो थिकनेस है वो है दोस्तों 1.47 mm, इसका शेप जो है राउंड है, और दोस्तों इसका ओरिएंटेशन जो है मिडल एलिगमेंट है, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन है मिडल एलिगमेंट। इसका जो खासियत है वो है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, मैं आप लोगों को ठीक से यहाँ पर दिखाता हूँ, आप लोग गौर से देखिए, ये जो सिक्का है मेरे हाथ पर, यहाँ पर देखिए आप लोग जो है साल लिखा है, उसके नीचे एक डॉट है डायमंड स्टाइल का, ठीक है, एक डॉट है। दोस्तों इस डॉट के लिए सिक्का का जो थोड़ा सा रियर हो गया है। दोस्तों ये जो डॉट के लिए इसका मिंट मार्क है दोस्तों, यूके लैटिन स्टैंड मिंट मार्क है दोस्तों, इस डॉट के डायमंड स्टाइल के लिए है। दोस्तों यहाँ पर जो सिक्के में कुछ भी डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, वो उसका मिंट मार्क दोस्तों जो है कैलकाटा मिंट मार्क का सिक्का हो गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को और भी सिक्का मिल जाएगा, यहाँ पर मिडिल में जो है स्मॉल डॉट या डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, वो मुंबई मिंट का सिक्का है। दोस्तों यहाँ पर जो 5 पॉइंटेड स्टार्ट मार्क होगा, ठीक है, वो है दोस्तों हैदराबाद मिंट मार्क का है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया स्टेज जो सिक्का है यूके मिंट का है, ठीक है, लैटिन स्टैंड यूके मिंट का जो सिक्का है। दोस्तों इसका जो वैल्यू है आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिला होगा यूट्यूब पर, इसका वैल्यू 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया वीडियो में आप लोगों को बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग के पास अगर ये सिक्का है, अगर आप लोग इसको सेल करना चाहते हो, तो आप लोग बहुत सारा पोर्टल है ऑनलाइन में अभी, ईबे, ठीक है दोस्तों, ईबे, इंडिया मार्ट, ठीक है, स्नैपडील, आप लोग बहुत सारा जो ऑनलाइन का पोर्टल है वहां पर जाके इस सिक्का को लिस्टिंग करके इसको बेच सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास रेयर सिक्का है तो उसका कीमत बहुत ही ज्यादा मिलेगा। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो सिक्के के जो स्टॉल लागे आ जाते हैं वहां से बहुत ही हाई रेट में सिक्का को सेल करते हैं लोग। दोस्तों सिक्के जो है क्यों हाई रेट में सेल होता है, दोस्तों ये जो है थोड़ा सा रेयर हो जाता है, और जो है दोस्तों एंटिक पीस का जो सिक्का होता है ना, वो कुछ ऐसा लोग होते हैं सिक्के को स्टॉक करने के शौक रखते हैं, वो लोग जो एंटिक पीस का सिक्का होता है बहुत ही हाई रेट में सेल बाय कर लेते हैं, ठीक है, बायर से। दोस्तों इसलिए सिक्का का जो रेट वो बहुत ही हाई होता है। दोस्तों इसके पहले जो 1 रुपया का सिक्का को सेल किया गया था 3 लाख रुपीज में, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ सिक्का है तो आप लोग जरूर मेरे कमेंट करके बोलना, मेरे वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट छोड़ सकते हो। तो दोस्तों इस सिक्का का फ्रंट साइड में आप लोगों को अशोक पिलर का एक अंब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में भारत लिखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो इधर में जो मिंट मार्क है आप लोग देख सकते हो, ये है यूके मिंट का है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो है रुपया दिखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर एक 1 रुपीज का सिम्बल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सिक्का का कुछ इस टाइप का है। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा सिक्का है तो आप लोग जरूर उस सिक्का को संभाल के रखिए, क्या पता इस सिक्का का वैल्यू लोगों को बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।